और हमें जो क्लूज मिले थे क्लूज के सहारे ही हमारी चेकिंग चल रही थी। हमें मालूम था कि हो सकता है इस समय फिर वो टीम आए और कुछ करने के फिलहाल उनकी सूचना पर बाकी कुछ मेंबर्स हैं जो यहाँ पुनः चुनाव और नवाबगंज एरिया में है, यहाँ भी कर सकते हैं इस एरिया में फिर से हम लोग सबको उन लोगों ने मार दिया। इसके अलावा जगदीश को मकाने में जो नवाबगंज में जो घटना हुई थी जिस पर माँ बेटी की डेथ हुई थी इनको सजा दिलाया, पूरी टीम जो हमारी पूरी पुलिस टीम लगी हुई थी जैसे की टीम है जो पुलिस टीम है सुबह से घटना का परमिशन कर रहे हैं देख रहे हैं तो पूरी टीम इसमें लगी हुई थी और मैं सबको इस मामले में बधाई दूंगा। उन्होंने हम लोग अलग अलग लोगों से पूछताछ करते थे, पूछताछ के दौरान नहीं मिल पाते थे तो अन्य तरह की दिक्कतें भी हमारे सामने आती थी, लेकिन आज हमें खुशी है और हमें रीओपन की केस को ओपन किया है और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। कुछ एक अभियुक्त जो फिलहाल फरार है उनके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है, शीघ्र उनको भी अभी तक जिन घटनाओं के बारे में जो कंसर्न हमने लिखा है आप लोगों से बहुत पूछताछ की जाएगी। मैं बताऊं कि वो उनकी आदत में शुमार है इनका जो मास्टर माइंड है जो इनके बड़े हैं जो बल्ली किया गया है उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। इसमें हाँ इसमें है ये जो बगल में खड़ा करिए वो पीछे छुप रहे वो टीम के साथ लग रहे इधर आइए। गत कुछ सालों से देखने में आया है कि प्रयागराज में मर्डर और ख़ासतौर से डबल मर्डर, कुछ एक जगहों पर ट्रिपल मर्डर भी हुए हैं और सब में चोरी के साथ में इस तरह की घटनाएं कारित की गई हैं और सभी में एक तरह से हमारे लिए रहस्य बने हुए थे। कुछ पुरानी घटनाएं भी थी, कुछ विगत नई घटनाएं भी थी और इन केसेस का ठीक से खुलासा नहीं हो पा रहा था क्योंकि हमें ठीक साक्ष्य नहीं मिल पा रहे थे। किंतु इस बीच में कोंधियारा में एक चोरी की घटना हुई थी, उस चोरी की घटना से हमें कुछ क्लूज मिले थे, उस क्लूज के आधार पर हमारी टीम लगी हुई थी। बाद में हमें पता चला कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं, जो घुमंतू लोग हैं और डेरा बना करके रहते हैं और वहाँ से ये लोग शहद बेचने के नाम पर अपने डेरे को बदलते हैं और रेकी करते हैं कि किस जगह पर ये घटना को आसानी से कारित कर सकते हैं जहाँ से इनको कोई पकड़ नहीं पाएगा, पहचान नहीं कर पाएगा। इनके कार्य करने में रहता है कि ये कहीं भी कोई भी ऐसे साक्ष्य को नहीं छोड़ते हैं और नहीं कोई चीज़ वहाँ पर ले करके जाते हैं, बल्कि अपने हथियार को भी खुद लेके जाते थे और वापस ले करके आते थे। उससे ये लोग जाते थे घरों में और आराम से चोरी करते थे। अगर घर का कोई मेंबर जग गया है तो तुरंत उसको सारे लोग मिल करके उसको पुश करके उसको तुरंत ही वहीं पर जान से मार देते थे। इवन इन्होंने कन्फेस किया है कि कई बार जो महिलाएँ थीं उनके साथ इन्होंने दुर्व्यवहार भी किया और उसके बाद से उनकी हत्या की है। इस तरह के जो केसेस थे हमारे यहाँ जो मिस्ट्री बने हुए थे उनके बारे में हम जब छानबीन कर रहे थे तो जो सूचना थी सूचना के आधार पर पुलिस की टीम पहले मांडा में थी, पुलिस की टीम कि वहाँ पर उनको सूचना थी, उस सूचना के आधार पर मांडा में SOG की टीम के प्रभारी और मांडा की पुलिस वो लोग लगे वहाँ पर और जो एक अभियुक्त है जोशी उस अभियुक्त को उन्होंने पकड़ने की कोशिश की वहाँ पर और पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त घायल हुआ। बाद में उसके ऊपर कार्रवाई की गई, उसके एक साथी को भी वहाँ गिरफ्तार किया गया। उनकी सूचना के बाद से पुनः टीम भेजी गई। बंद कर लिया उसको, बंद किसका है मोबाइल बंद कर लो। पहली मांडा से उस सूचना के आधार पर हमने पुनः गंगा पार में सघन चेकिंग आरंभ की। यहाँ पर भी हमारे SOG प्रभारी और टीम ने यहाँ पर जो इनका मेन जो सरगना है बल्ली उससे इनकी मुठभेड़ हुई, घायल हुआ और वहाँ से भी इनके कुछ साथी गिरफ्तार किए गए, कुछ एक साथी इनके चार साथी फरार भी हैं। कुल इस तरह से हमने इनके 6 साथियों को गिरफ्तार किया है। इनसे बातचीत के क्रम में जब पूछताछ की गई तो बताया कि एक व्यक्ति है बल्लू जिसकी दुकान है सोने चांदी की, उनके यहाँ ये अपने सामान को बेचा करते थे और वही इनके मेन रूप से मुख्य रूप से रिसीवर है। उनको भी पुलिस हिरासत में लिया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है
तो इस तरह से हम लोग बाकी जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। पूरी टीम लगी हुई है और जिन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है उनसे व्यापक तौर से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि इनके कहने के मुताबिक इन्होंने अपराध ही इनकी प्रवृत्ति है, इतने अपराध किए हैं कि इनको खुद को भी याद नहीं है। सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं, इनका कहना है कि आसपास के डिस्ट्रिक्ट चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और आसपास के डिस्ट्रिक्ट में भी इन्होंने बहुत सारे अपराध किए हैं। इनसे रिमांड लेकर के इनसे हम लोग पूछताछ करने का प्रयास करेंगे और मैक्सिमम सारी घटनाओं का खुलासा करते हुए पीड़ित व्यक्तियों को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। इसमें भी जो मनी का पूरा है घटना है।